एम्पियर सर्किट लॉ ये स्टेट करता है कि जैसे कोई भी आप यू नो करंट कैरिंग वायर का अरेंजमेंट अगर लेते हो, कोई भी करंट कैरिंग वायर का अरेंजमेंट, जैसे चार पांच वायर का अरेंजमेंट है मान लो, और उस अरेंजमेंट के पास में ना आप कोई भी एक आर्बिट्री क्लोज्ड यू नो लूप ड्रॉ कर लेते हो, कोई भी एक लूप ड्रॉ कर दिया किसी भी आर्बिट्री शेप साइज का, जैसे आपके हाथ में फ्री हैंड एक लूप बन गया और आपने क्या क्या एक लूप बना दिया, तो लॉ ये कहता है कि जब भी आप इस लूप पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, लाइन इंटीग्रल का मतलब है बी डॉट डीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ डीएल जो एक एलिमेंटल लेंथ होगा लूप पे उसके साथ बी डॉट डीएल करो और इंटीग्रेट करो पूरे लूप के ऊपर। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन के बाद देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज करंट पे डिपेंड करता है। तो इनक्लोज करंट को अगर मैं IEN लिख रहा हूँ, इनक्लोज करंट, तो इसमें देखा गया कि बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइनली म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज आती है। तो लॉ यही कहता है। लॉ समझ आई आपको क्या कह रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अब ये चीज है कि नो ये बिल्कुल यू नो गॉस लॉ की तरह है, गॉस लॉ तो नहीं बोल सकते बट गॉस लॉ की तरह है। जैसे गॉस लॉ में भी अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते थे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको? हाँ सर, तो उसमें जब हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिखते थे तो ई किसका होता था? सबका, याद है आपको? अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला चार्ज, सबका होता था, याद है आपको? हाँ सर, बट अगर आप क्यू इनक्लोज जब बोलते थे तो किसका चार्ज था? सिर्फ अंदर वाले का ना। हाँ तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी है, बस डिफरेंस ये है कि वो सरफेस इंटीग्रेशन होता था, मतलब क्लोज सरफेस पे होता था, और ये क्लोज लूप पे होगा, मतलब एक टू डायमेंशनल फिगर है ये। यहाँ पे एक लूप बनाएंगे आप और वहां पे आप सरफेस बना के आप इंटीग्रेशन करते थे। आपको डिफरेंस समझ आ रही है? हाँ सर, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चेक करो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो में हमने क्या कर रखा है, चार करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर रखा है, ठीक है? उसमें से दो में करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रही है और दो में अंदर की तरफ जा रही है। मान लो इसी का टॉप व्यू मैंने ड्रॉ किया, देखो I1 I2 I3 I4 मार्क किया नीचे में, क्या आप ये डायग्राम कोरिलेट कर पा रहे हो? दोनों सेम डायग्राम है, अलग अलग है, देख लो एक बार, सेम हाँ सर। एज ठीक है ना? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको लॉ का मतलब बता रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई भी आर्बिट्री सा ना एक यू नो लूप क्लोज करके चूज कर लिया। जैसे इमेजिन करो कि किसी ने ऐसा एक लूप एक ड्रॉ कर लिया जिसमें इनको क्लोज कर लिया उसने, ठीक है? तो ये जो क्लोज लूप आपको दिख रही है पिंक कलर के एरोस यू नो लाइन से मार्क्ड है, कैन यू सी इट? हाँ सर, हाँ सर, तो इस लूप में हर जगह पे, इस लूप में हर जगह पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? हाँ सर, तो लेट अस से कि यहाँ पे किसी भी एक जगह पे सपोजिटली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड सपोजिटली मुझे इस तरफ दिख रही है। लेट अस से दिस इज दी
मैग्नेटिक फील्ड. When I'm saying this is the magnetic field, it means that this is the magnetic field due to I1, due to I2, due to I3, and due to I4. मतलब सबका मिला के है. This is basically due to I1, B1, plus B2, plus B3, plus B4. मतलब उनका वेक्टर सम लेना है. Basically चारों magnetic field का वेक्टर सम लेंगे. और इसके साथ आप क्या करो, एक छोटा सा करंट एलिमेंट चूज करो. एलिमेंट कैसे चूज करना है आपको, कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो जो उसके लेंथ के अलॉन्ग हो, लूप में अलॉन्ग द लेंथ. तो देखो लूप में मैंने अलॉन्ग द लेंथ एक एलिमेंट चूज किया, आपको दिख रही है, ठीक है? हाँ सर. अब इन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है, तो बी डॉट डी एल आप कैलकुलेट कर पाओगे, कर पाओगे ना? तो लॉ ये कहता है कि जब आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा करोगे, तो इससे जो वैल्यू आएगी दिस विल बी म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट ओनली. I3 पे डिपेंड नहीं करेगा. इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? I1, I2 और I3 पे, I4 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वही उसके अंदर इनक्लोज्ड है. आपको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर. ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो, अब किसी एक करंट का डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा. जैसे I1, I2 और I4 दोनों का डायरेक्शन तो अलग है. I1, I2 का एक ही है बाहर की तरफ और I4 का है अंदर की तरफ. तो किसी एक को अगर आपने पॉजिटिव माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा या नहीं होगा? हाँ सर. तो इसको जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, दिस विल बी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ. अब इनमें से पॉजिटिव करंट किसको डिसाइड करना है, मतलब I1 को, I2 को या फिर I4 को? तो ये डिसाइड करने के लिए आपको DL का डायरेक्शन शो करेगा. DL का डायरेक्शन आपको बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करना है. आप बताओ मुझे, DL का डायरेक्शन हमने जो चूज किया है वो अलॉन्ग द लेंथ एंटी क्लॉकवाइज चूज किया या क्लॉकवाइज चूज किया है? एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप कर्ल करो. आपका थंब किधर आ रहा है? क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, थंब देखो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, किधर आ रहा है? हाँ, बाहर की तरफ. बाहर की तरफ. तो बाहर का करंट कौन सा है, I1, I2 या I4? कौन सा है? I1, I2. इसका मतलब उसी को आपको पॉजिटिव करंट चूज करना है. समझ आया आपको क्या बोला मैंने? हाँ सर. तो इसमें आपको क्या लिखना है बताओ मुझे, इसको आप क्या लिखोगे? I1 plus I2 and minus of I4. आपको समझ आई? हाँ सर. ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा एम्पियरन लूप है. ठीक है, इसको मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज लूप 1. ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको नाम ही देते हैं, लेट अस से दिस इज लूप 1 या लूप. हाँ ठीक है, लूप 1 कह लेते हैं. ठीक है, सो दिस इज ओवर लूप 1. ठीक है, इंटीग्रेशन जो हमने किया ये ओवर 1 किया है. अगर मान लो यही इंटीग्रेशन आप दूसरे लूप में करते हैं, लेट अस से मान लो आपने ये एक लूप चूज कर लिया है, दिस इज द लूप नाउ, और इस लूप में आपने जो सेंस ऑफ डीएल चूज किया है वो आपने क्लॉकवाइज चूज किया है. ठीक है, ये देखो मैं क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, क्लॉकवाइज दिखाने का मतलब ये सेंस ऑफ डीएल है. ठीक है, तो इसमें अगर आप लूप 2 में, इसको लूप 2 कह लेते हैं, ठीक है, ये एम्पियरन लूप्स हैं बेसिकली. तो अभी आप बताओ मुझे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप बी डॉट डीएल कैलकुलेट करोगे ओवर लूप 2, तो क्या लिखोगे आप वापस से? म्यू नॉट इनटू इनक्लोज करंट. और इनक्लोज करंट में कौन कौन है? I1, I2 और I3 दिख रही है आपको? हाँ सर. अब ये देखो कि ये इसका डीएल का चॉइस कैसा है, क्लॉकवाइज है ना? हाँ सर. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, देखो थंब अंदर की तरफ आ रहा है. हाँ सर. इसका मतलब I3 पॉजिटिव हो गया ना? हाँ. और I1 I2 नेगेटिव, सो माइनस I1 माइनस I2. समझ आई आपको? हाँ सर. ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करने का है. ठीक है, तो इसमें क्या एम्पियर सर्किट लॉ क्या सिमेट्रिकल लूप के लिए वैलिड है या सिमेट्रिकल वायर के लिए वैलिड है या फिर किसी भी लूप के लिए और किसी भी वायर अरेंजमेंट के लिए वैलिड? अरे इतना क्लियर डायग्राम है, क्या मैंने कुछ सिमेट्रिक चूज किया है? आप बताओ मुझे, किस कोई सिमेट्री दिख रहा है आपको? नहीं सर. तो फिर क्यों आप इतना सोच रहे हो? इतना क्लियरली डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, एब्सर्ड सा कुछ भी लूप बना लो, बोला तो कोई भी आर्बिट्री शेप का लूप चूज कर दो. तो इसका मतलब है ये किसी भी सिमेट्री को ध्यान रख के नहीं बनाया गया, ये हर तरह के लूप के लिए, हर तरह के करंट कैरिंग वायर्स के लिए आपका एप्लीकेबल है. ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. तो ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ. और डीएल का चॉइस कैसे लेना है, या मतलब डीएल या फिर करंट का डायरेक्शन कैसे चूज करना है, ये आपको पता चल गया ना?
जिस डायरेक्शन में आप डीएल चूज करोगे उस डायरेक्शन में आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, ठीक है? हाँ सर। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। पहला चीज ये है कि एम्पियर सर्किट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिमेट्रिकल as well as unsymmetrical current carrying wire arrangement and amperian loops. और दूसरी चीज आपको जो बताई important वो ये है, the positive direction of current within loop is decided by choice of DL vector. We curl the fingers of right hand in the sense of choice of DL and hence this thumb gives positive direction for current. ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक? नहीं सर। ठीक है, अब इसमें एक दो जस्ट छोटे छोटे आपको जस्ट यू नो इसका एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम आज का क्लास खत्म कर देंगे। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर कैसा है? 8 के जैसा है ना? हाँ सर। हाँ सर। इस लूप में बताओ आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल आप क्या लिखोगे? बताओ पूरे लूप में क्या लिखोगे, सोचो फिर बताओ। बोलो क्या आप नहीं बोलेंगे? माइनस सिक्स इधर से -1 और उधर से -5, 6 सही है, सही किया आपने। म्यू नॉट बस मल्टीप्लाई करना भूल गया, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, आप अगर देखोगे तो इसमें ट्विस्टेड लूप है, तो जो लेफ्ट वाले लूप में क्लॉकवाइज सेंस दिख रहा है राइट वाले लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर आप अब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करके देखो, जो 5 एम्पियर वाला करंट है वो नेगेटिव हो गया है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? हाँ सर। और जो लेफ्ट वाले लूप में देखो 2 एम्पियर वाला पॉजिटिव है जबकि 3 एम्पियर वाला नेगेटिव है, दिख रही है आपको सबको? हाँ सर। तो म्यू नॉट इनटू क्या लिखेंगे, +2 -3 एंड -5,
सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ सिक्स टाइम्स ऑफ यू नो, ये सही आंसर है. एक और ट्राई कर लेते हैं. इसमें सेंस ऑफ इंटीग्रेशन ये है, एंटी क्लॉकवाइज देखो दिखा रखा है. अब बताओ इसमें क्या आएगा. क्लास सिक्स म्यू नॉट. ठीक है सबका देखते हैं भी क्या आ रहा है. आप ध्यान रखना इसमें तीन लूप है ना, तीन लूप है या नहीं है. हाँ सर. ठीक है तो तीनों लूप का आपको अलग अलग करना है. ठीक है ध्यान रखना. प्लस सिक्स में नॉट. देखो इधर एक बार चेक करो लूप में डायरेक्शन से, एक बार चेक कर लो सही दिख रहा है नहीं आपको, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डायरेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक. लूप में डायरेक्शन नहीं, नहीं नहीं गलत दिखा दिया मैंने, लास्ट वाला गलत दिखा दिया. लास्ट वाला गलत हो गया, फिर कंफ्यूजन होना चाहिए था आपको. ये देखो ठीक है हाँ सर. ओके अभी देखो मैं तीन लूप यहाँ पे बना रहा हूँ. देखो आप एक है ये वाली लूप, ठीक है दूसरी है मेरी ये वाली लूप ये, और तीसरी है हमारी ये वाली लूप. ठीक है ओके. अब बताओ मुझे जो ग्रीन वाली लूप है उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव. ग्रीन वाले के अंदर negative. ग्रीन वाले के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव सो माइनस टू लिख लिया. रेड वाले के अंदर, रेड वाले के अंदर कौन कौन इनक्लोज्ड है, टू और थ्री दोनों या सिर्फ थ्री. हाँ दोनों. तो दोनों लेना पड़ेगा अभी. हाँ, कौन सा पॉजिटिव है, थ्री पॉजिटिव है और टू नेगेटिव है ना. हाँ सर. सो प्लस थ्री, this will be plus 3 and minus 2. ठीक है. हाँ सर. ऐसे लेते हैं. हाँ अभी 5 वाले के लिए, मतलब जो पर्पल वाला लूप है उसके लिए पॉजिटिव राइट. हाँ सर. तो प्लस 5 सही है ना. हाँ. सो 5 3 8, 8 में से 4 चला गया, कितना आया 4. तो कितनी आ रही है प्लस 4 म्यू नॉट आ रही है ना. तो 6 तो नहीं आ रही है. आपने क्या मिस आउट किया, 2 को एक ही बार लिया है ना. हाँ तो जब आपको तीन लूप दिख ही रहा था तो जो जितनी बार वो करंट कैरिंग वायर इनक्लोज होगा आपको उतनी बार लेना पड़ेगा उसको. ठीक है. हाँ सर. समझ आई सभी को. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. ओके इसमें इसका मेजोरिटी एप्लीकेशन मैंने यू नो अभी जस्ट इसकी वजह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है बस वो वाला एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके कुछ स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस हम डिराइव करते हैं वो लिखना वो करना सिखाता हूँ. ठीक है. सो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ इन फाइंडिंग द स्ट्रेंथ of magnetic field due to certain
specific, symmetrical, symmetrical current carrying wire arrangement. एक बार जस्ट मैं आपको एक बार गॉसस प्रोसेस से थोड़ा सा आपको एक बार चीज रिवाइज कराऊं, जस्ट थोड़ा सा. आपको जैसे याद हो कि गॉसस लॉ जो है वो हर तरह के शेप एंड साइज ऑफ यू नो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता था. मतलब कोई भी शेप और कोई भी साइज का क्लोज सरफेस ले लो, आप नेट फ्लक्स निकालोगे तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा. इसमें सिमेट्री का कोई जरूरत नहीं था. बट हमने जब इसके एप्लीकेशन में एक पार्ट किया था जहां पे हम इस यू नो कोई एक अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे, तो उसका एक लिमिटेशन ये था कि हमें पहले 100% श्योरिटी के साथ हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये हर पॉइंट पे पता होना चाहिए सराउंडिंग में. क्योंकि अगर हर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन पता होता था तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करते थे जिसमें फील्ड लाइंस आपको या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखे. तो इससे जहां पे परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखता था वहां पे सिंपली ई इंटू ए हो जाता था, और जहां पे पैरेलल टू सरफेस दिखता था वहां पे जीरो हो जाता था. तो इसकी वजह से हम नेट फ्लक्स की वैल्यू को ई इंटू समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते थे. एंड उसके बाद फिर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जब लिखोगे तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती थी. एकदम सेम तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ भी आपका एप्लीकेबल है हर तरह के यू नो करंट कैरिंग वायर के अरेंजमेंट के लिए, हर तरह के शेप एंड साइज ऑफ क्लोज लूप्स के लिए. मतलब एम्पियर लूप आप कैसा भी ड्रॉ कर दो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तरह के लिए वैलिड है. बट हाँ, जब आप इसकी यूसेज करके आप अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी सराउंडिंग में कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये सारे सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. मतलब सारे सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर्स के लिए आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. आप ऐसे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में ही कैलकुलेट कर पाएंगे जहां पे आपको उस अरेंजमेंट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे पता होगा. अगर फील्ड का डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो आप एक चीज श्योर होकर कह लेना कि आप यू नो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाओगे. अगर फील्ड का डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो समझ जाना कि आप इसको यूज करके कम से कम वहां पे यू नो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो बेसिक क्राइटेरिया इज कि हम वहां पे ही कैलकुलेट कर पाएंगे जहां पे फील्ड का डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो द क्राइटेरिया, वो चीज का ध्यान रखना आप, ओनली इन दोज अरेंजमेंट्स, ओनली इन दोज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट of current carrying wires B ka magnitude can be calculated where the direction of magnetic field can exactly be predicted everywhere in the surrounding as accordingly we can choose Amperean loop such that B would either be parallel or perpendicular to loop everywhere. At places where B vector is parallel, its magnitude will be uniform. पैरेलल जब हम कह रहे हैं मतलब पैरेलल टू लूप हम कह रहे हैं. ठीक है, पैरेलल टू लूप इट्स मैग्नीट्यूड विल बी यूनिफॉर्म एंड प्लेसेस इज परपेंडिकुलर बी डॉट डीएल आपकी जीरो हो जाएगी. So therefore, जब आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, एक होगी बी इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल
into cos of 0 degree. This will be portions where b vector parallel to dl vector होगा. And plus इसके साथ आप add करोगे integration of b into dl into cos of 90 degree, मतलब ये 0 हो जाएगा. This is portions where b vector is perpendicular to dl vector. And therefore, जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल है, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, और इसकी बी को आप बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बन जाएगा. सो दिस विल बी बी इनटू एल हो जाएगा. तो ये एल बेसिकली वो वाला पोर्शन का लेंथ होगा जहां पे आपको बी की वैल्यू पैरेलल टू लूप दिख रही है. सो दिस इज लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट वेयर बी इज पैरेलल टू एल. समझ आ रही है, मतलब डीएल, ये बस इतना ध्यान रखो, डीएल वेक्टर से पैरेलल होना चाहिए. आपको समझ आई यहां तक? हाँ सर. सबको क्लियर है? हाँ सर. गुड, ठीक है. अब इसके आगे बढ़ते हैं. देखो, अब इसका सीधा से एप्लीकेशन में चले जाते हैं. तो थ्योरी आपको समझने की जरूरत है, तभी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं. अब उसके एप्लीकेशन पे वो कर जाते हैं. पहला देखो, फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. अब देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है. अब इसकी वजह से मान लो मुझे पूछा गया है कि r डिस्टेंस पे बताओ फील्ड कितनी होगी. r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे चले गए, एंड यहां पे उसने पूछ लिया कि बताओ फील्ड की वैल्यू कितनी होगी. तो एक चीज आपको ये पता है पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है और इसको यूज करनी है आपको. तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा आपके लिए, सर्कुलर लूप्स होंगे ये. ठीक है, तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे, इसका टॉप व्यू अगर आप देखोगे, सोचो इसका टॉप व्यू अगर आप देखोगे कैसा दिखना है आपको. इसका टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू में आपको करंट कैरिंग वायर एक डॉट की तरह दिखना है. ये करंट कैरिंग वायर डॉट की तरह दिखेगा आपको. दिस इज करंट आई, और इसके चारों तरफ हमने जो है वो सर्कुलर लूप बना रखा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिखाने के लिए. ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अब इससे आपने r डिस्टेंस पे पूछा है कि फील्ड कितनी होगी. तो r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं कि वो चेक बी है. आपको ये पता है कि करंट थंब के अलोंग होगा, तो थंब हमारा बाहर की तरफ रखें, तो फिर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज से दिखेगी आपको अलोंग दी टेंजेंट हर जगह. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, ये सर्कल में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है. तो अगर आपने सोचो एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ डीएल चूज किया होता है यहाँ पे इस टेंजेंट के अलोंग ही, तो ऐसे चूज करो आप डीएल भी टेंजेंट के अलोंग और बी भी अलोंग दी टेंजेंट, तो बी और डीएल पैरेलल हो गए हर जगह पे. तो ये जो येलो कलर से हमने जो मार्क कर रखा है, यू नो, जो सर्कल मार्क कर रखा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरियन लूप हो जाएगा. दिस विल बी एम्पेरियन लूप, और इस एम्पेरियन लूप के अंदर पूरा करंट कैरिंग वायर अपना इनक्लोज्ड है. तो इसके लिए अब सिंस बी और डीएल तो पैरेलल है, तो अब आपका जब एम्पियर सर्किट लॉ यूज करोगे, तो इनक्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इनक्लोज करंट लिखते हो. तो इससे तो आपको ऑलरेडी समझाया है इससे क्या आने वाला है, बी इनटू एल आएगा, और एल कितने का है आपका, 2 पाई आर का है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई हो जाएगा. तो बी की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू आर हो गया. तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. आपको ये एक्सप्रेशन पता है, आपको पता है ना ये एक्सप्रेशन? बट ये डेरिवेशन जब मैंने पहले किया था, तब आपको इंटीग्रेशन करके दिखाया था, याद है आपको? बायट-सावर्ट लॉ हमने यूज किया था, एक डीएल करंट कैरिंग वायर का एलिमेंट का फील्ड पहले कैलकुलेट किया था, फिर इंटीग्रेट किया था. तो आपके अगर स्कूल एग्जाम्स में अगर सपोजली ये डेरिवेशन आता है, सपोजली आपको किसी ने पूछा स्कूल एग्जाम्स में पूछा कि यू नो करंट कैरिंग वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो अब आप कौन सा चूज करोगे, वो इंटीग्रेशन वाला या ये वाला, कौन सा चूज करोगे? ये वाला नहीं,
आपकी स्ट्रेटेजी जो होगी वो मार्क्स के बेसिस पे होगी. अगर सपोजली ये एक मार्क्स या दो मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सपोजली एक या दो मार्क्स में, तब आपको ये वाला यूज कर लेना है क्योंकि ये दो मार्क्स के लिए सफिशियंट है. बट अगर तीन मार्क्स या चार मार्क्स के क्वेश्चन में अगर वो डेरिवेशन आया हुआ है तो फिर आप कभी भी ये वाला यूज नहीं करना क्योंकि वो ये सही होते हुए भी शायद वो कम मार्क्स देंगे आपको, शायद, यू नो, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यू नो एग्जामिनर, उसका स्ट्रेटजी कैसा है. तो आपको अगर ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो वो आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है, ठीक है. और अगर छोटे मार्क्स का मतलब तो एक दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप इस तरह से करके दिखा देना, ठीक है. स्ट्रेटजी आप मार्क्स देख के डिसाइड करेंगे, ठीक है. क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे ऐसा होता है कि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा लंबा लिखना है, बोर्ड एग्जाम से वही स्ट्रेटजी होती है. तो वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है. दूसरा देखते हैं, देखो सेकेंड एप्लीकेशन देखिए. Field due to a thin, hollow, long current carrying cylindrical wire. Cylindrical wire. अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी है. ये थिन करंट कैरिंग वायर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है. ये लंबा सा सिलेंडर है, आपको ऐसे इमेजिन करना है, दिस इज अ लॉन्ग सिलेंडर एंड इसमें करंट जो है वो इसके वॉल पे, आउटर वॉल पे बेसिकली ऐसे फ्लो कर रही है. ये जो अपवर्ड एरो मैं दिखा रहा हूँ ये बेसिकली करंट के लिए है, ठीक है. सो द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स ऐसे एंड इस सिलेंडर की हम रेडियस को मान लेते हैं, दिस रेडियस इज आर, ठीक है, दिस इज रेडियस आर. एंड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का है. आप ये मान के चलना कि हम ये मान रहे हैं कि दिस इज अ लॉन्ग वायर, मतलब एंड्स नहीं दिख रहे आपको, यू कैन नॉट सी द एंड्स, ये मान के चलेंगे आप, ठीक है. अब इसके लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का है तो दो रीजन में जनरली फील्ड पूछते हैं आपसे, या तो इंटरनल पॉइंट पे या तो एक्सटर्नल पॉइंट पे. तो दोनों पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको. इसी का अगर आप टॉप व्यू ड्रॉ करते हो, सपोज इसका टॉप व्यू आपने ड्रॉ किया तो कैसा दिखना है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ एक मिनट. इसी का अगर आप टॉप व्यू ड्रॉ करोगे आपको कैसा दिखेगा, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊं मैं आपको. टॉप व्यू में ये सर्कल्स दिखने हैं आपको, दिस लुक लाइक सर्कल्स, ये कुछ ऐसा है. इसमें एक करंट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रही है तो इसको मैं डॉट्स बना के दिखा रहा हूँ. These dots represent the direction of current. कि ये बाहर की तरफ current flow कर रही है. देखो देखो. So अभी इसकी वजह से आपको field calculate करनी है. उसने radius आपको दे रखा, this radius is r. तो जब हम field calculate करते हैं तो दो points पे हम generally पूछते हैं, internal point और एक external point. पहले internal point का सोचते हैं. Let us say हम internal point पे, ठीक है. Let us say हम यहाँ पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बताओ फील्ड कितनी है. तो इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैंने ऐसे सोचा, यहाँ से अगर मैं एक क्लोज सर्कुलर लूप बना लूँ, इसको मैं एम्पेरियन लूप कह रहा हूँ, ये क्लोज सर्कुलर लूप बना लिया मैंने, तो एक चीज नोटिस करो आप, इस एम्पेरियन लूप के अंदर में कोई करंट कैरिंग वायर इनक्लोज नहीं हो रही है, देयर इज नो करंट कैरिंग वायर इनक्लोज इन साइड द लूप. इसका मतलब जब आप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे तो वो खुद आपकी जीरो आनी चाहिए क्योंकि इनक्लोज करंट है ही नहीं. अब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जीरो दो वजह से आ सकता है, एक तो करंट इनक्लोज ही नहीं है, या फिर हो सकता है यू नो कि ऑपोजिट डायरेक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट करंट भी हो जाए तो भी आपका इनक्लोज जीरो हो सकता है. जब आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जीरो है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो आपका बी खुद जीरो है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो फिर उसके इसमें बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा. या दूसरा पॉसिबिलिटी इज कि बी और डी एल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दिस इज वन अनदर पॉसिबिलिटी. एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि जब आपका बी डॉट डी एल एक हाफ में कुछ एक पॉजिटिव अमाउंट आता है और दूसरे हाफ में एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव आ जाता है तो भी जीरो हो जाएगा. क्योंकि एक बार सोचो बी और डी एल के बीच में एंगल एक्यूट है और दूसरे हाफ में कहीं पे बी डॉट डी एल यू नो के बी और डी एल के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है,
तो बी डॉट डीएल जब आप करोगे तो एक्यूट एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो इससे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हो सकता है पूरे लूप में क्या हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या हो, कैंसिल कर जाए। अब यहाँ पे सोचो कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, सोच के देखो। जैसे सिमेट्री देखो, आप सिमेट्री देख रहे हो कि नो कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग यू नो मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू में तो एक सर्कल दिख रहा है और वो सर्कल मतलब बेसिकली क्या है कि उसमें करंट कैरिंग वायर बाहर की तरफ आपके चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करोगे किसी भी पॉइंट पे, अंदर वाले पॉइंट पे, तो सिमेट्री देख के कह सकते हो कि एक जगह पे जितनी होगी दूसरी जगह पे उतनी होगी और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड होगा। जैसे अगर मान लो कि मैं कुछ गलत चूज करता हूँ, लेट अस से कि कुछ रैंडमली मैं चूज करके देखता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ से यू नो अगर मान लो कि मैं कुछ गलत चूज कर रहा हूँ और मैं सपोजली यहाँ पे इस वाले सेगमेंट के क्लोजर, इस वाले सेगमेंट के क्लोजर में दिखा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड सपोजली मैंने ऐसा दिखा दिया, ठीक है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। तो इस केस में इसके पास में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा तो इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखाऊंगा मैं, फिर इसके पास में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा तो इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखाऊंगा। तो इस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो बी और डीएल के बीच का एंगल जो होगा वो एक जगह एक्यूट चूज किया है आपने तो हर जगह पे ही एक्यूट होगा, और इसका मतलब है कि बी डॉट डीएल कभी भी जीरो आ नहीं सकता, और बी डॉट डीएल अगर जीरो नहीं आ सकता तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्योंकि इनक्लोज करंट जीरो, इनक्लोज करंट तो जीरो ही है। इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि बेसिकली आपकी बी जो है वो खुद ही जीरो है, इंटरनल पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं होगी। मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शेल थ्योरम था, आपको याद है कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यू नो स्फेरिकल शेल लेते थे तो उस केस में शेल के अंदर में शेल के खुद की वजह से कोई फील्ड नहीं होती थी, याद है आपको? हाँ सर। तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी आ रहा है कि अगर आपके पास एक यू नो थिन सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से आपको इंटरनल पॉइंट पे अगर फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आपको फील्ड कितनी मिलेगी इंटरनल पॉइंट पे, आपको जीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये शेल थ्योरम की तरह याद रखना, इतना दिमाग कुछ यू नो लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना, ठीक है, कि इंटरनल पॉइंट पे आपको फील्ड आपको जीरो मिलनी है। मैं इसको हटा दे रहा हूं। सो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे अंदर में कोई फील्ड नहीं होगी। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यहां से। सो दिस एम्पेरियन लूप हैज enclosed current equal to zero and therefore इससे आपने conclusion draw किया कि B zero होगी and this B will be zero for क्योंकि अगर मेरे को दुपहर वाला था या नहीं। ओहो ओहो B की value zero है, ये सारे उस points के लिए है जो internal points है, मतलब capital R से कम वाले जो भी value पे आप जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। But अभी आप external point की बात करो, let us say अब हम external point पे गए, ठीक है, let us say हम यहाँ पे चले गए, अभी एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें, इस एक्सटर्नल पॉइंट पे भी अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फिर से मैं ऐसे कर रहा हूं, एक सिमेट्रिकल एक क्लोज सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज वन एम्पेरियन लूप। नाउ ऐसा एक एम्पेरियन लूप बना लिया, ठीक है। अब इसमें भी अगर देखोगे तो इनक्लोज करंट इस बार नॉन जीरो है, इनक्लोज करंट पूरा ही है, मतलब जो करंट आई सिलिंड्रिकल वायर में फ्लो कर रहा था वो सारा का सारा तो इस लूप के अंदर ही है। इसका मतलब है कि इसमें डेफिनेटली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो अब नॉन जीरो आएगी। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ। अगर आपने थंब को बाहर की तरफ रखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे अगर बाहर थंब रखे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन व्हिच इज प्रेडिक्टेड नाउ। अब जैसे आपने डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लिया तो काम आसान हो गया, ये देखो ये बी है और अगर आप नोटिस करोगे तो डीएल के साथ फिर से वापस ये पैरेलल वाला केस आ रहा है। सो अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए निकालूं, दिस इज फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो इस केस में जब आप फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, this should be equal to mu naught into enclosed current and therefore isme to aapko pata hai b into l aayega, l which is 2 pi r and that will be mu naught into ir, ye puri and therefore b ki value kitni aa rahi hai, mu naught into I divided by 2 pi r। agar aap ek achhi cheez notice karoge to ye bilkul jo electrostatics ka shell theorem tha na bilkul waisa hi hai। electrostatics ka shell theorem kya tha ki agar aap ek hollow spherical shell lete ho uske internal point pe rehte ho तो इंटरनल पॉइंट पे उसकी खुद की वजह से कोई फील्ड नहीं होती है, आपको याद है? और एक्सटर्नल पॉइंट पे जब आपको फील्ड कैलकुलेट करना होता था तो शेयर का सारा चार्ज को आप सेंटर पे कंसंट्रेट करते थे, याद है आपको? तो हम KQ/R² लिखते थे, याद है आपको?
अब सेम चीज यहाँ पे आ रही है, देखो अगर आप इस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर हो तो फिर उस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर में सिलेंड्रिकल शेल की खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती है, और जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पे हो तो सिलेंड्रिकल शेल को आप शेल की तरह कंसिडर मत करो, आप उसका सारा का सारा वायर को ना करंट को एक सिंगल थिन वायर में कंसंट्रेट कर दो और वो सिंगल थिन वायर उसके एक्सिस पे रख दो। तो एक्सिस पे अगर आप सिंगल थिन वायर कंसिडर करोगे तो एक्सिस से डिस्टेंस उसका कितना है आर, तो उसके इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, क्योंकि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, दैट्स इट। इसका मतलब कि शेल थ्योरम पूरा का पूरा यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब भी आपको बी की वैल्यू याद रखनी है तो ऐसे याद रखना। सो देयरफॉर फाइनली बी की वैल्यू आपकी कैसे दिख रही है, आपको दो पार्ट है, एक है जीरो, दिस इज फॉर ऑल इंटरनल पॉइंट्स, एंड दूसरा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा, एंड दिस इज फॉर ऑल एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू आर के लिए, ठीक है। तो शेल थ्योरम आप याद रखना। अच्छा इसको एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल इफ्सैट्स का वाला ग्राफ की तरह ही है, इसमें बी ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमने रेडियल डिस्टेंस ले रखा है। इनिशियली आपको जीरो मिलेगी और ये तब तक मिलेगी जब आप सर्फेस तक नहीं पहुँच जाते, जैसे आप सर्फेस पे पहुँचोगे वैल्यू जंप करेगी, दिस कैपलर, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट सर्फेस एंड दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपलर, एंड उसके बाद फिर इनवर्स रिलेशन है तो उसके इसमें ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये डिक्रीज करता चला जाएगा। इस पार्ट में आपकी बी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और इस पार्ट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। ग्राफ तो समझ आ गया है ना सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये ग्राफ? यहाँ पे शेल थ्योरम जस्ट याद रखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, रिमेम्बर शेल थ्योरम फॉर सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग शेल्स, पहला फॉर पॉइंट्स इंटरनल टू शेल दे विल बी नो फील्ड ड्यू टू the shell itself and dusra for points external to shell the entire current of this cylinder can be assumed to be concentrated at the axis in a single thin wire. Single thin wire. That's it. So, अभी हमें क्या करना है? एक single thick long cylindrical current carrying wire है, उसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का है। तो अभी क्या करेंगे आप यहाँ पे, जैसे पिछली बार का सिचुएशन से ये बार का सिचुएशन डिफरेंट ऐसे हो गया है, क्योंकि पहले थिन था वो, मतलब सिर्फ आउटर सर्फेस पे करंट था, बट इस बार जो है वो अंदर में भी आपको करंट दिखेगा क्योंकि ये थिक सिलेंड्रिकल करंट का वायर है। तो ऐसे आपको करंट दिखनी है, मतलब अंदर में क्रॉस सेक्शन पे भी हर जगह आपको फील्ड करंट मिलेगी। तो इस बार ये आपकी करंट कैरिंग वायर हो गई है। फिर से वैसे सिचुएशन मान लेते हैं कि इसकी रेडियस को हमने आर चूज कर रखा है और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का है। आप एक तो है कि डायरेक्टली शेल थ्योरम लगा के इसमें कर सकते हो, क्योंकि शेल थ्योरम अगर आपने सीख लिया है तो उसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे अब इसका फिर से एक बार टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, एक बार देखो ये हमारा करंट कैरिंग वायर है और इसमें आपको करंट इस बार हर जगह दिखनी है। ये डॉट्स बेसिकली करंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, और इसकी रेडियस अपने को पता है, दिस रेडियस इज कैपलर, एंड इसकी वजह से अब आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। फिर से वैसे स्टार्ट करते हैं, एक है इंटरनल पॉइंट और एक है एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर मैं इंटरनल पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी डिस्टेंस पे, तो पहले वहां पे एक क्लोज एम्पियरन लूप बना लेते हैं पहले, ठीक है, ऐसा एक सर्कुलर लूप बना लिया हमने।
There's one closed ampere loop. ठीक है, ये क्लोज एम्पियर लूप है. अगर आप नोटिस करोगे तो इस बार इसके अंदर तो करंट है, इनक्लोज करंट है, तो ऑब्वियसली इस बार मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से. तो ये डिस्टेंस को अगर मैं आर चूज कर रहा हूँ, रेडियल डिस्टेंस आर के लिए, तो इसकी आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो फिर से करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रखो एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको दिखेगा कि नो कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ये ऐसा. तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखते हैं. अगर आप नोटिस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फिर से डीएल के साथ आपको पैरेलल दिखेंगे. तो डीएल डायरेक्ट, डीएल वेक्टर अगर आप ऐसे इसी लूप में, इसी सेंस में चूज करते हो कहीं पे, ऐसा डीएल चूज किया हमने, तो बी और डीएल पैरेलल है, तो फिर वापस से सेम एनालिसिस आपका आ जाएगा. तो देखो मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ एक बार. सो दिस कैलकुलेशन इज फॉर आर लेस देन कैपलर, मतलब इंटरनल पॉइंट के लिए. ठीक है, अब इसके लिए लिखोगे तो बी इंटू टू पाई आर, दैट विल बी म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट. और इनक्लोज करंट कैसे निकालोगे आप? बस आप करंट डेंसिटी से आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको करंट ऑलरेडी पता है कि पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड था. तो पर यूनिट करंट कितना, पर यूनिट एरिया करंट कितना था, तो करंट पर यूनिट एरिया लिखें. तो पर यूनिट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एंड इसके साथ फिर वापस से आपको उस क्रॉस सेक्शन का एरिया को मल्टीप्लाई करना है जिस क्रॉस सेक्शन में आपको करंट निकालने का है. तो करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर दिया, तो इससे मुझे करंट इनक्लोज मिल गई है. सो देयरफॉर बी की वैल्यू जो आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी, इधर से तो पाई तो कट जाना है, तो यार ये म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टू पाई इंटू स्मॉल आर. अगर आप ये नोटिस करोगे तो यार ये है म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर आ गया, सॉरी 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर आ गया. इस रिजल्ट को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो एक और अच्छी चीज दिखेगी, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपलर इंटू स्मॉल आर बाई कैपलर आ रही है. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू कैपलर, ये कहाँ का फील्ड है? ये सर्फेस का वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं सर्फेस पे सिलेंडर के खड़े हो जाऊं तो उस केस में सारा का सारा करंट तो बेसिकली इनक्लोज ही हो जाएगा, और सारा का सारा करंट इनक्लोज हो गया तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी दिखेगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर कैपलर डिस्टेंस हो गया सर्फेस से, सेंटर से सर्फेस का. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी सर्फेस की है, और सर्फेस के साथ एक फ्रैक्शन आ रहा है जो कि रेडियस रेशियो है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एट सर्फेस इनटू रेडियस रेशियो. आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एग्जैक्टली सेम था, के क्यू बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ये सर्फेस का होता था, और इसके साथ आप स्मॉल आर बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई करते थे तो आपको इंटरनल पॉइंट ऑफ फील्ड मिल जाता था, जो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिखाता था. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन ही तो है. ये मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो बी है This is proportional to R for R less than R. ये तो लिखा हुआ ही है, तो ये proportional to R आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही. और ये जो B at surface लिखा है हमने, B at surface, that is mu not I divided by 2 pi into capital हो जाएगा. ठीक है, सबको समझ आ रही है? हाँ सर. और external point के लिए तो derive करने का कुछ जरूरत नहीं है, उसका तो already जो derivation किया आपने वही आएगा. मतलब ये for R, अगर greater than R आप calculate करते हो, तो ये B into 2 pi R, and that will be equal to mu not into enclosed current, enclosed to sara hi ho jayega. Iska matlab b ki value jab likhoge kitne likhoge, mu not I and divided by 2 pi into r likhoge. Ye exactly aapka inverse proportional to r hai, to iska matlab b ki value yahan par to inverse proportional to r dikhegi. Ye bilkul waisa hi hai jaise electrostatics mein hota tha, matlab ekdam bilkul waisa hi hai. Agar uniformly charged solid sphere hai to internal point pe field calculate karni hai to surface ka value hota tha kq by capital r square, uske sath aap smaller into smaller by capital r multiply kar dete the, तो उससे आपको फ्रैक्शन मिल जाता था. और अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे रहते थे तो बस सारा का सारा चार्ज को आप सेंटर पे कंसंट्रेट करके के क्यू आर स्क्वायर लगाते थे. सेम चीज यहाँ पे करना है आपको. अगर आप इंटरनल पॉइंट पे खड़े हो और आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो जो सर्फेस का वैल्यू है उसका रेडियस रेशियो ले लेना. सर्फेस का वैल्यू मी नॉट अवे 2 पाई इनटू कैपिटल आर, एंड उसके साथ आप स्मॉल आर बाय कैपिटल आर को मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो, तब आपको सारा का सारा कंसंट्रेट करंट को कंसंट्रेट करके एक्सिस पे ले लेना, और उसके बाद फिर सेंटर से डिस्टेंस जो भी आर दिख रही है वो मी नॉट अवे 2 पाई आर कर लेना है. सबको समझ आई है? हाँ सर. ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन ये है, आपको ये याद रखनी है. ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विल बी सरफेस का वैल्यू इनटू रेडियस रेशियो, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज मी नॉट आई इनटू आर डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू आर स्क्वायर. दिस इज फॉर आर लेस देन आर. एंड द सेकंड पार्ट इज कि अगर आप
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू स्मॉलर लिखेंगे. ये कब लिखेंगे? जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पे हो. ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको कैसा दिखना है यहाँ पे? पहले लीनियरली इंक्रीजिंग, फिर सरफेस पे मैक्सिमम, एंड उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह. ये इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाया हमने, ये होगा सरफेस तक. दिस इज मैग्नेटिक फील एट सरफेस व्हिच इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू केप्लर, एंड उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये डिक्रीज करता चला जाएगा. सो ये वाली पार्ट में आपको बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिखेगा, और ये वाली पार्ट में बी प्रोपोर्शनल टू आर दिखेगा. ठीक है, सबको क्लियर है? हां सर. हां सर. ठीक है बेटा. ये तो हो गया यू नो सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर के लिए. अभी आते हैं चौथे पे. फील्ड ड्यू टू, अच्छा इसमें एक और चीज आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, इसमें एक चीज भूल गया मैं आपको दिखाना. इसमें एक चीज और नोटिस करो आप, जैसे इंटरनल पॉइंट पे ही ये चीज आपको दिखाते भूल गया मैं आपको दिखाना. एक मिनट रुको, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ. इस डायग्राम में एक बार चेक करो आप, करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है जे, वो किस तरफ है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? करंट डेंसिटी किस तरफ है? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ सर. तो करंट डेंसिटी किस तरफ है ये तो बताओ बाबा. करंट डेंसिटी भी भूल गए हो क्या? बाहर. अरे करंट बाहर है तो करंट की डेंसिटी किधर होगा? बाहर ही तो होगा. आप लोग क्या करंट डेंसिटी भूल चुके हो? नहीं सर. तो करंट डेंसिटी इज आउटसाइड, एंड रेडियल डायरेक्शन देखो, रेडियल डायरेक्शन देखो. अगर आप जे से आर का डायरेक्शन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो डायरेक्शन किधर आएगा देखो. तो जे को एक एक लाइन की तरह सोचो, बाहर की तरफ है, और आर जो है वो रेडियल डायरेक्शन है. तो जे से अगर आपने आर की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल किया तो देखो तो थंब किधर आ रहा है आपका? नहीं समझ आ रही आप लोगों को? आप लोगों को डायरेक्शन क्यों नहीं आता है ये? आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ सर. ओके, ये देखो, ये है करंट डेंसिटी, दिस इज करंट डेंसिटी. ठीक है, ये है रेडियल डायरेक्शन. ये रेडियल डायरेक्शन क्योंकि ये सोचो कि यू नो एक्सिस ऑफ वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और इधर से रेडियल डायरेक्शन हम आर ले रहे हैं. तो जे से आर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है चेक करो. थंब क्या आर के परपेंडिकुलर आ रहा है? आ रहा है ना? ऐसे इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, इधर चेक करो, हर जगह पे देखो. ये है जे और ये है आर. जे से आर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल किया हमने, देखो थंब किधर आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो थे ना? हाँ सर. थे? हाँ, और क्या वो आर के परपेंडिकुलर थे? क्या वो आर के परपेंडिकुलर थे? थे ना? देखो ये आर, आर के परपेंडिकुलर, ऐसा ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था ना? हाँ. रिमेम्बर? हाँ सर. इसका मतलब जो जे क्रॉस आर का डायरेक्शन है और जो बी का डायरेक्शन है सेम है या नहीं हर जगह पे? हाँ सेम है. हाँ सर. ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी थी यहाँ पे. अभी वापस हम अपने स्क्रीन पे जाते हैं.
अभी देखो आप, तो जे क्रॉस आर से बेसिकली मुझे बी का डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को देखो, ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया यहाँ पे, इसी एक्सप्रेशन को मैं वापस से एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को, इसको जे के टर्म्स में एक बार लिख के दिखा रहे हैं। तो बी की वैल्यू जो आई है, दैट हैज कम आउट टू बी म्यू नॉट इनटू आई बाई पाई आर स्क्वायर इनटू आर डिवाइडेड बाई टू। देखो तो ये है क्या, मैंने बस उसी को रीअरेंज किया है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव है। देखो दिख रही है आपको, सेम है ना? हाँ सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट इनटू जे इनटू आर डिवाइडेड बाय टू। जे और आर खुद म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे बी का डायरेक्शन भी मिल रहा है। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट बाय टू इनटू जे क्रॉस आर। हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। तो ये इंटरनल पॉइंट्स के लिए ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, क्योंकि इससे बेसिकली आपको डायरेक्शन का, डायरेक्शन भी फील्ड का एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये सेम एक्सप्रेशन को अलग अलग लिखने का तरीका है। एक है डायरेक्टली आप म्यू नॉट इनटू आई इनटू आर बाय टू पाई आर स्क्वायर ऐसे याद कर लिया। दूसरा तरीका है आपने मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस इनटू रेडियस रेशियो से याद रखा है। और तीसरा है आपने करंट डेंसिटी के टर्म्स में याद रखा है, कि करंट डेंसिटी अगर आपको पता है तो म्यू नॉट इनटू जे इनटू आर बाय टू कर लिया। ये सारे एक्सप्रेशन जो मैंने डिराइव किए, ये ध्यान रखना आप किसके लिए डिराइव किया है, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर विद यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के लिए डिराइव किया है, ठीक है। बाकी सबके लिए वैलिड नहीं है, मतलब जो सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर होगा उसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक और एक्सप्रेशन इसमें ऐड कर दे रहा हूँ जो हमने अभी डिराइव किया, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार देखो इधर। मान लो कि सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर विथ नॉन कंसेंट्रिक, यू नो सिलिंड्रिकल कैविटी है, नॉन कोएक्सियल, मैं कह सकता हूँ सिलिंड्रिकल करंट carrying wire with non-coaxial cylindrical cavity, ये calculate करना है। मतलब ये कुछ ऐसा situation है जैसे ये सोचो, ये आपका current carrying wire इसके इस तरफ यहाँ पे एक कैविटी कर रखा है, बाकी पार्ट में करंट है, ऑब्वियसली कैविटी वाले पार्ट में कोई करंट नहीं हो सकता, ऐसा। मान लो आपको इसकी एक्सिस और कैविटी की एक्सिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको दे रखा है, दिस इज सी, ठीक है। और मैंने आपको करंट डेंसिटी जे दे रखा है, जे इज करंट डेंसिटी। एंड अब आपको पूछा मैंने कि बताओ इसके कैविटी के अंदर फील्ड कैसे दिखेगी, व्हाट विल बी द फील्ड इनसाइड द कैविटी। आपको फील्ड इनसाइड कैविटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट आपने पहले भी सीख रखा है, जब भी कोई कैविटी के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको याद है हम क्या करते थे, हम इमेजिन करते थे कि वहां पे हमने फिल कर दिया उस चीज को, और उसके बाद फिर उस फील्ड वाले चीज की यू नो मतलब फील्ड को कैलकुलेट करके नेट से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, याद है आपको? हाँ सर। ठीक है, कैविटी के क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक तरीका है कि बेसिकली आप जो पार्ट कटा हुआ है उस पार्ट को अपनी तरफ से फिल कर दो, और उसके बाद फिर उसकी जो फील्ड आ रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे कि जो कैविटी है, कैविटी का पोर्शन को हम इमेजिन करते थे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया आपने, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी डाल दिया, तो एक्चुअली इफेक्टिवली आपने कोई भी चार्ज नहीं डाला ना, डाला क्या? नहीं सर। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे जो कैविटी है
उस कैविटी वाले पोर्शन में आप क्या करो, इमेजिन करो साइमल्टेनियसली दो करंट कैरिंग वायर की तरह, मतलब एक इमेजिन करो जिसमें आउटसाइड मतलब ऊपर की तरफ करंट जा रहा हो और एक में इमेजिन करो नीचे की तरफ करंट जा रहा हो साइमल्टेनियसली। तो अगर ऊपर भी करंट जा रहा है और नीचे भी करंट जा रहा है और दोनों का अमाउंट सेम है, तो क्या कोई नेट करंट जा रहा है कैविटी के अंदर? नहीं नहीं। तो इसका मतलब बिहेवियर कैसा हो उसका, कैविटी की तरह ही तो बिहेवियर हो गया ना वो। हाँ। है ना। तो वो स्ट्रेटेजी लेके देखो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका टॉप व्यू एक बार ड्रॉ करता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने से पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो ध्यान रखना कि मैं इसमें साइमल्टेनियसली ऊपर भी करंट इमेजिन कर रहा हूँ और नीचे भी करंट इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, सेम डेंसिटी का, ठीक है। मतलब जे जो हमें दिया हुआ था उसी डेंसिटी का ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ हम करंट इमेजिन करेंगे, ठीक है। मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आप इसको। दिस इज सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर और इसमें ये नॉन कंसेंट्रिक कैविटी है हमारा, नॉन कोएक्सियल, ये कैविटी वाला पोर्शन है। इसमें सिलेंडर की जो एक्सिस है और कैविटी की जो एक्सिस है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस उसने दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज सी। उसके बाद उसने इस वाले पोर्शन पे हमें बाहर की तरफ करंट डेंसिटी दे रखी है, ये दे रखी है उन्होंने, ठीक है। ये डॉट्स जो बना रखा है मैंने करंट के लिए ड्रॉ कर रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कैविटी वाले पोर्शन पे मैंने क्या किया, साइमल्टेनियसली डॉट्स एंड क्रॉस दोनों रखे उसी डेंसिटी का जितने डेंसिटी का वो करंट कैरिंग वायर हमें दे रखा था उन्होंने। तो मैंने क्या कैविटी में कोई करंट डाला या नहीं डाला इफेक्टिवली? नहीं डाला। बट इससे एडवांटेज क्या हुआ, देखो सिर्फ येल्लो वाले डॉट को व्हाइट वाले डॉट के साथ मिला दो तो क्या एक कंप्लीट सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर हो गया। हाँ, येल्लो वाले डॉट को व्हाइट वाले डॉट के साथ मिला दो, हो गया ना, समझ आ रही है? हाँ। येल्लो वाले डॉट को व्हाइट वाले डॉट के साथ एक साथ इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा कि अब कोई कैविटी नहीं है, ये क्या एक सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है जो कंप्लीट है। और अब सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वाले पोर्शन को इमेजिन करो, सिर्फ क्रॉस वाले पोर्शन को, सिर्फ क्रॉस वाले पोर्शन को इमेजिन करोगे तो वो भी क्या दिखेगा तुम्हें, एक सिंगल यू नो करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर दिखेगा, दिखेगा ना? हाँ सर। तो अब तो दोनों दोनों की वजह से आप फील्ड को निकाल के वेक्टर सम कर लो, आराम से मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि अभी कोई आर्बिट्री पॉइंट मुझे दे रखा उन्होंने कैविटी के अंदर, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये पोजिशन वेक्टर आर वन पे, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया उसने पी कह दिया उसको, और इस पॉइंट पी पे हमें फील्ड कैलकुलेट करने का है, ठीक है। ये मान लो कि जो कैविटी का एक्सिस है उससे इसकी पोजिशन वेक्टर मान लेते हैं आर टू है, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे कोई मुझसे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो मैं लिखूंगा दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डॉट, मतलब डॉट की वजह से, एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्रॉस। डॉट और क्रॉस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, करंट की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज करंट विच इज आउटसाइड, डॉट इज करंट आउटसाइड एंड क्रॉस इज करंट इनसाइड, ठीक है। तो अब इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, सिंस दोनों ही देखो दोनों ही की वजह से ये पॉइंट पी जो है वो इंटरनल पॉइंट ऑफ अ सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है, तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से यूज कर सकते हैं, मे नॉट इनटू जे क्रॉस आर वन डिवाइडेड बाय टू, ये रिजल्ट हमने अभी डिराइव किया था, समझ आया आपको? हाँ सर। एंड प्लस अब क्रॉस वाले की वजह से, क्रॉस वाले में देखो करंट का डेंसिटी मैंने मैग्नीट्यूड में सेम रखा था बट डायरेक्शन में तो उल्टा था, और अगर डायरेक्शन में उल्टा है मतलब जे की जगह आपको माइनस जे लिखना पड़ेगा, तो म्यू नॉट इनटू यहाँ पे लिखोगे तो माइनस ऑफ जे क्रॉस ऑफ आर टू एंड डिवाइडेड बाय टू लिखोगे। अब इससे जो चीजें कॉमन आउट हो रही है इसको बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट इनटू जे को कॉमन आउट कर दिया, डिवाइड बाय टू भी ले लिया, और यहाँ पे आ रही है आर वन माइनस ऑफ आर टू आ रही है, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ देखो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, अगर आप रेड कलर का ये एरो को देखोगे आप तो देखो यहाँ पे दिस इज सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, क्या आर वन वेक्टर है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, सी वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर इज आर वन वेक्टर और नॉट? हाँ सर। तो इसका मतलब सी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, देखो आप सी वेक्टर बिकम्स आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया देखो तो कितनी आ रही है, so what is the value देखो, this comes out to be mu not into j cross c and divided by 2. एक अच्छी चीज क्या दिख रही है देखो, the good thing is कि point p was an arbitrarily chosen point, मतलब वो कहीं पे भी था cavity के अंदर, but ये point p के ऊपर dependent ही नहीं आ रहा है क्योंकि j constant quantity है
और सी भी एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है. सी आपका दोनों सिलेंडर और कैविटी के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है. तो जे भी कॉन्स्टेंट है और सी भी कॉन्स्टेंट है, तो जे क्रॉस सी भी तो कॉन्स्टेंट ही हो गया. जे इज आउटसाइड एंड सी इज टूवर्ड्स राइट. तो आउटसाइड से अगर आप राइट की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब देखोगे आप तो प्लेन में ये ऊपर की तरफ आ रहा है. प्लेन ऑफ यू नो स्क्रीन बेसिकली उसमें ऊपर की तरफ आ रहा है. तो फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको. दिखा देते हैं ऐसा कुछ आ रहा है. Somewhere like this. J cross C आ रहा है तो C के perpendicular देखो draw किया मैंने. और ये पूरे region में आपका uniform field है. मतलब ये location पे depend नहीं करेगी. कहीं पे भी आप इस cavity के अंदर calculate करो आपको field यही मिलेगी. J cross C mu not by 2 into J cross C. समझ जाइए. तो ये ध्यान रखना आप कैविटी के अंदर आपकी फील्ड क्या है, ये यूनिफॉर्म आ रही है नॉन कंसेंट्रिक कैविटी के अंदर. ठीक है तो ध्यान रखना दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड नॉन कोएक्सियल कैविटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ selection of point P. Selection of point P inside cavity. समझ आ गई सभी को? हाँ सर. किसी को कोई confusion है तो पूछ लो. कोई confusion? No sir. नहीं सर. ठीक है छोड़ो. चौथे एप्लीकेशन पे मूव कर रहे हैं. ठीक है दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन. फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग शीट ऑफ करंट कैरिंग वायर. शीट मतलब कि यहाँ पे अब ये एक लंबा शीट की तरह आपको इमेजिन करना है, जैसे चार्ज शीट लेते थे वैसे कुछ. मतलब ये ऐसा कुछ है, देखने के लिए देखें तो आप कुछ ऐसा दिखना. इसमें आपको सरफेस में आपको हर जगह पे करंट ऐसे दिखनी है. जैसे लार्ज चार्ज शीट में आपको चार्ज कभी नहीं देते थे, वो चार्ज डेंसिटी देते थे. तो वैसे यहाँ पे भी करंट देने का कोई मतलब नहीं है, करंट पर यूनिट विड्थ देने का मतलब होता है. क्योंकि ये लार्ज है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि ना तो आपको इधर से राइट की तरफ से एंड दिख रहा है ना तो आपको लेफ्ट की तरफ से एंड दिख रहा है. तो इसमें जो क्वांटिटी हमें देते हैं करंट पर यूनिट विड्थ देते हैं. सो लैम्डा एम्पियर पर मीटर ऐसे लिख रहे हैं. दिस इज करंट पर यूनिट width of sheet. मतलब इसका सिंपल सा मतलब ऐसा हुआ सोचो, इसका मतलब यह है कि जैसे आपने अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे एक पतला सा एक थिकनेस का एक शीट चूज किया, मतलब एक थिकनेस का ऐसा पतला सा, और इस थिकनेस की अगर आपने वैल्यू अगर dx चूज कर रखी है और यहाँ पे आप करंट दिखाते हो कि di है, let us say this current is di. तो बेसिकली डी आई बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बेसिकली आपका लैम्डा का मिलेगा. आपको समझ आया क्या मतलब इसका? हाँ सर. ठीक है हाँ सर. okay. तो अब आपको क्या करना है, इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का है. ठीक है अब देखो फिर से हम क्या करते हैं, इसका पहले हम क्या करते हैं ना, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं. मतलब सामने से अगर देखो तो मुझे कैसा दिखेगा. देखो मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ. तो फ्रंट व्यू में अब मुझे शीट्स की तरह नहीं दिखेगा, बेसिकली दो ऐसे सामने के आपको दो पैरेलल लाइंस दिखेंगे.
जैसे आपको बुक को सामने से देखने से लगता है, बुक को एक तो आप ऊपर से देखोगे तो पेजेस दिखे, कवर पेज दिख जाएगा, बट अगर सामने से देखोगे तो पेजेस का जो बंच है वो दिखेगा, तो बिल्कुल वैसा ही है ये। इसमें आपको करंट जो है वो ऐसा दिखता है, डॉट्स, दीज डॉट्स आर करंट। अब इसकी वजह से मुझे फील्ड कैलकुलेट करने का है, तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आप अपने थंब को जस्ट बाहर की तरफ रखो, जो ये करंट बाहर की तरफ है, और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को देखो कि वो किस तरफ यू नो टर्न कर रहे हैं। तो अगर ऊपर वाले हाफ में रहोगे तो देखोगे आपका फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। आप अपने देखो, आप जस्ट थंब को देखो बाहर की तरफ रखो, जस्ट कीप योर थंब आउटसाइड एंड जस्ट स्ट्रेच योर पाम, माने यू नो अपवर्ड्स में। तो फिर उस केस में आपका पाम देखोगे तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर। सबको दिख रही है? हाँ सर। ओके गुड। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखो आपको ये पता चल गया कि फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरफ कुछ आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और यही फील्ड का डायरेक्शन अगर नीचे वाले हाफ पे चले जाओगे, आप लोअर हाफ में चले जाओगे, तो फील्ड का डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पाम है आपको वो अब नीचे ले जाना पड़ेगा, थंब को ऊपर रख के अब आपके पाम को नीचे ले जाना है। तो पाम को जब नीचे लेके जाओगे तो फिर उस केस में आपका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। क्या आपको देख पा रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली आपको पता चल गया, दिस इज द फील्ड का डायरेक्शन। एंड सिंस ये लार्ज शीट है तो ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे खड़े हो या फिर थोड़ा राइट या लेफ्ट में खड़े हो। आप अगर थोड़ा लेफ्ट में भी खड़े होते, जैसे इमेजिन करो कि हम थोड़े से लेफ्ट में खड़े हो गए यहाँ पे या राइट में खड़े हो गए, तो यहाँ पे भी फील्ड आपको ऐसा ही दिखता, क्योंकि ये तो लार्ज शीट है। तो फिर आप थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके एजेस तो बेसिकली आपके इनफाइनाइट पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इसलिए फर्क पता नहीं चल रहा आपको। ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि वो किस तरफ है, ऊपर हाफ में राइट की तरफ है, सॉरी लेफ्ट की तरफ है, और लोअर हाफ में राइट की तरफ है। तो फील्ड के डायरेक्शन को दिखा देता हूँ मैं, ऐसे ही एक रैंडम सा ऐसा प्लॉट ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको ये तो पता चल रहा है कि फील्ड आपकी ऐसे कुछ आने वाली है, यूनिफॉर्म फील्ड आएगी। और अगर आप नीचे वाले हाफ में जाओगे तो उस केस में आपको फील्ड ऐसे मिलेगी उल्टे तरफ। ये हमने फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। ठीक है, और जैसे फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, अब आपको एम्पेरियन लूप चूज करने में कन्वीनियंस रहेगी। तो एम्पेरियन लूप आप कैसे चूज करोगे? आप ऐसा चूज करते हो जहां पे फील्ड या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। तो देखो मैं ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप बना लो, ऐसे सोचो एक रेक्टेंगुलर लूप बना रहे, देखो ये देखो ये एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया। आप देखो इसको कुछ अगर नाम दे दूं मैं, लेट अस से दिस इज पी क्यू आर एन एस। अगर पी क्यू सेगमेंट आप देखोगे तो पी क्यू सेगमेंट में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपको दिख रही है? पी क्यू सेगमेंट में दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। क्यू आर वाले सेगमेंट में देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल पैरेलल है। हाँ सर। ठीक है, आर एस वाले सेगमेंट में देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ सर। और एस पी वाले सेगमेंट में देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वापस से पैरेलल है, दिख रही है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ओवर द लूप पी क्यू आर एस है, इसको हम तीन चार पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर पी क्यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये ओपन इंटीग्रेशन है, ओवर क्यू आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर आर एस एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर एस पी। आपको समझ आया क्या लिखा हमने? ठीक है, पी क्यू वाले सेगमेंट में तो वो पैरेलल है, बट पी क्यू वाले सेगमेंट में परपेंडिकुलर है, इसलिए वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट का इंटीग्रेशन है तो श्योर है जीरो आएगा, और वैसे ही आर एस वाले सेगमेंट में भी ये वैल्यू बेसिकली आपकी जीरो है। तो दो ही पार्ट बच रही है, बी डॉट डी एल क्यू आर पे और एस पी पे, और दोनों पे बी और डी एल क्या है, पैरेलल है। अगर ये लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं, लेट अस से दिस लेंथ इज, लेट अस से जो हमने क्यू आर सेगमेंट का लेंथ चूज कर रखा है, क्यू आर इज इक्वल टू एस पी विच इज एल मान लेते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू सिंस यूनिफॉर्म है तो सिंपली b इंटू एल यही तो आएगा ना, क्योंकि b dl cos 0 डिग्री हो जाएगा और b तो कांस्टेंट है तो b की वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, तो bl n plus bl यही तो आएगा ना, समझ आई आपको? एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट। अब करंट कितनी इनक्लोज हुई है,
लेंथ देखो जो क्यूआर सेगमेंट का है वो एल है और करंट पर यूनिट विड्थ याद है आपको लैम्डा था, तो लैम्डा से अगर मैंने इस एल को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मुझे करंट मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो दिस विल बी म्यू नॉट इनटू लैम्डा इनटू एल. लैम्डा वाज करंट पर यूनिट विड्थ एंड एल इज द विड्थ व्हिच इज एनक्लोज्ड विद इन द लूप, तो लैम्डा से एल को मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ बी टू एल. एल गेट्स कैंसल्ड आउट एंड देखो आपको बी की वैल्यू मिल गई है. सो बी इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. ये एक लार्ज करंट कैरिंग शीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया. क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छी बात है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, मी नॉट इनटू लैम्डा बाय 2. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये हमारा चौथा एप्लीकेशन हो गया, फिफ्थ एप्लीकेशन पे जाते हैं. फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, सोलेनोइड की वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे. स्पेसिफिकली ये लॉन्ग सोलेनोइड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या है वो तुरंत बताता हूँ. पहले देखिए आप, सोलेनोइड का मतलब बेसिकली जो आपका स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, स्प्रिंग जैसा होता है, बस वैसा ही होता है कि एक स्प्रिंग का जैसा एक स्ट्रक्चर इमेजिन करो, उसी को ही आप बेसिकली एक सोलेनोइड कहते हो. तो आपके पास एक एंड होगा जिसमें करंट आ रहा होगा और उसके बाद फिर ऐसे ये सर्कुलर टर्न्स के फॉर्म में ही रहेगा. ये ऐसा कुछ रहेगा. ये कुछ ऐसा है. ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं यहां पे खत्म ही कर देते हैं, इतना लंबा है ये. और यहां से ओके निकल जा रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ द सिस्टम इज लुकिंग लाइक. तो अभी आपके पास क्या है कि एक एंड पे जब आपका करंट आ रहा है तो देखो ये सारे सर्कुलर टर्न्स में करंट तो है ही, ईच ऑफ दी सर्कुलर टर्न्स कैरीज अ करंट. मिल रहा है ना आपको करंट? आपको समझ आ रही है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो ये सारे सर्कुलर टर्म्स में आपको करंट मिल रहा है. ठीक है, और इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैलकुलेट करने का है कि कितनी आएगी. ठीक है, अब एक चीज है कि जैसे इसमें लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब क्या था पहले ही आपको बता दें. जैसे मान लेते हैं कि ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड जो है वो एल है, लेट अस से दिस लेंथ इज एल एंड इसकी जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है इसको मान लेते हैं ये आर है. ठीक है, ये रेडियस है. तो अगर एल की वैल्यू बहुत बड़ी हो आर से तो इसी को कहते हैं कि ये लॉन्ग सोलेनोइड का कंडीशन होता है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप सोलेनोइड के अंदर से अगर इमेजिन करोगे, सोलेनोइड के अंदर से अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको एंड्स ऑफ सोलेनोइड नहीं दिखेगी. एंड्स ऑफ सोलेनोइड तभी दिखेगी जब आप दूर से देख रहे हो उसको. जैसे अभी हम देख रहे हैं सोलेनोइड को तो हमें दिख रहा है कि राइट में भी एक एंड है और लेफ्ट में भी एक एंड है. बट अगर आप इसको अंदर जाके देखोगे ना, अंदर जाके, तो आपको ना तो राइट एंड दिखेगा ना तो लेफ्ट एंड दिखेगा. ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप कोई चीज को अगर पास से देखते हो तो क्या दिखता है आपको? बहुत बड़ा दिखता है. और अगर दूर से देखते हो तो क्या चीज दिखता है? छोटा दिखता है, नहीं दिखता है. आई गेटिंग इट? हां सर. ठीक है. हां सर. सिंपल सा मतलब ये है जब हम लॉन्ग सोलेनोइड कहते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना कि बेसिकली आपको एंड्स नहीं दिख रहे हैं, यही उसका मतलब निकलता है. ठीक है. ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं इसका, इसकी फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, फिर ही तो आप कैलकुलेट कर पाओगे. तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक जैसे आप इमेजिन करो कि इसको हमने ऊपर से ना ऊपर से दो हाफ में काट दिया है. ठीक है, ऊपर से दो हाफ में काट दिया है. जैसे ऐसे सोच के देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा मैं बोल रहा हूँ. जैसे इमेजिन करो, जैसे ऐसे इमेजिन करो कि मैंने क्या किया, यहां से ऐसा एक वर्टिकल प्लेन
यूज किया है और इसको इसके अबाउट अपने सॉलिड को काट दिया है, ठीक है, इस प्लेन में ही जैसे दो हाफ में काट दिया है। आपको समझ आ रही है कैसा बोल रहा हूं मैं? समझ आ रही है? हाँ सर। एक सिलेंडर को आप बेसिकली ऐसे काट रहे हो वर्टिकल प्लेन से, तो दो हाफ सिलेंडर में कट जाएगा। आपको समझ आ रहा है? दो हाफ सिलेंडर। अच्छा हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ। तो इससे जब इसके अबाउट जब आपने काटा तो आपका सिलेंडर दो हाफ सिलेंडर में कट गया है। तो एक हाफ का बस मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो पीछे वाला हाफ है उस हाफ का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हाफ क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ऊपर वाले एंड पे आपको करंट अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो क्रॉस की तरह दिखाएंगे इसको। ये जो क्रॉस हम दिखा रहे हैं ये करंट के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, और नीचे में वापस से वही करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे डॉट्स की तरह दिखाएंगे। ये क्रॉस एंड डॉट जो है ये बेसिकली करंट कैरिंग यू नो लूप के कंसेक्यूटिव टर्न्स के बेसिकली ये है एंड्स है, और ये इधर से आपके इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। आपको डायग्राम समझ आया मैंने क्या ड्रॉ किया है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, वेट नहीं करना। ओके। अभी आप ये चीज देखो, क्या ऊपर में एक लार्ज शीट ऑफ करंट कैरिंग वायर दिख रही है आपको? ऊपर में देखो क्रॉस जो है वो बेसिकली क्या है, एक शीट ऑफ करंट कैरिंग वायर नहीं है क्या? ठीक है, और नीचे वाला जो डॉट है वो भी तो एक लार्ज शीट ऑफ करंट कैरिंग वायर है। हाँ। Okay, बिल्कुल वही है। देखो ये देखो यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया था, देखो ये डॉट्स ड्रॉ किया थे, नहीं किया था, ये डॉट्स क्या इंडिकेट कर रहे थे? एक लार्ज शीट ऑफ करंट कैरिंग वायर। बिल्कुल वैसे ही तो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यही तो ड्रॉ किया। देखो एक डॉट एक शीट है और क्रॉस वाला एक शीट है, तो क्रॉस वाले शीट का जो फील्ड होगा वो आप अंदर थंब रखो और उसके बाद फील्ड निकालो, तो देखो तो कैसा फील्ड आ रहा है डायरेक्शन में, क्रॉस की वजह से निकाल रहा है पहले। तो ऊपर हाफ में राइट की तरफ, दिस इज बी ड्यू टू क्रॉस, एंड लोअर हाफ में लेफ्ट की तरफ, This is B due to cross. आप देखो ये क्या convinced हैं आप? अपने thumb को अंदर की तरफ point कराओ, cross की वजह से, ठीक है? और उसके बाद फिर अपने right hand के fingers देखो किस तरफ जा रहे हैं। देखो ये direction match कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ सर। हाँ। सब कोई करो बाबा, मैं कैसे सबका करवाऊँ? आप लोग को respond नहीं करोगे मैं कैसे करवाऊंगा बताओ? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो। आप समझते नहीं हो कि टीचर का प्रॉब्लम क्या होता है, आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, तो कैसे हम समझेंगे कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर दो कि सर हो रहा है, बस इतना ही बोलना है आपको। हो रहा है सर। ओके ठीक है चलो। अभी डॉट की वजह से अगर आप फील्ड देखोगे, डॉट की वजह से देखो, डॉट की वजह से फील्ड चेक करो किस तरफ आ रही है। डॉट की वजह से मतलब थंब आप बाहर रखना है आपको, थंब बाहर रखोगे तो अभी आपकी फील्ड ऊपर हाफ में जो आएगी वो आपकी कुछ ऐसी आएगी, इस तरफ होगी, दिस इज बी ड्यू टू डॉट, एंड लोअर हाफ में जो होगी वो आपकी इस तरफ हो जाएगी, बी ड्यू टू डॉट है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं ड्रॉ करना भूल गया, बी ड्यू टू डॉट जब हम डॉट वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से ले रहे हैं तो ऊपर में कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तब तो सेम ही आएगा। देखो तो ये भी बी ड्यू टू डॉट है, एंड क्रॉस की वजह से एक चीज ड्रॉ करना भूल गया मैं नीचे वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे आपका क्रॉस का फील जो होगा वो इस तरफ होगा। एक बार नोटिस करो क्या सही ड्रॉ किया है नहीं मैंने, जैसे एक बार नोटिस कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अभी देखो ये जो फील्ड हमने कैलकुलेट किया था करंट कैरिंग शीट की वजह से वो डिस्टेंस पे तो डिपेंडेंट नहीं था, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं था, देखो म्यू नॉट इनटू लैम्डा बाय 2, ये डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब बी डॉट का और बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, और डायरेक्शन में जहां उल्टा है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? देखो बाहर वाले रीजन में देखो ये फील्ड कैंसिल कर गया, देखो और अंदर वाले रीजन में देखो एड अप हो रहा है, देख रहे आपको? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब अंदर वाले रीजन में फील्ड आपको कैसा दिखना है? कुछ ऐसा फील्ड दिखना है आपको, ये अंदर वाले रीजन का फील्ड है, ये ऑलमोस्ट आपकी फील्ड यूनिफॉर्म अपीयर होती है, दिस इज बी इनसाइड, ये बी है, ठीक है, ये इनसाइड वाले रीजन पे, और बाहर वाले पार्ट पे आपका फील्ड क्या है? जीरो है, सो बी आउटसाइड इज जीरो, बी इनसाइड इज नॉन जीरो, ठीक है।
मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आप देखोगे इसके लिए फील्ड अगर आपको ड्रॉ करना है कि कैसा दिख रहा है ये फील्ड, तो इस फील्ड को आपको ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं आप। इसमें कैसे ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, इसकी ऐसे दिखेंगे, ये ऐसा इधर से आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, इधर से ऐसा होगा, इधर से ऐसा, ये ऐसा, और यही वाली फील्ड लाइन सबकी बाहर घूम के आएगी। तो बस इसको मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ। तो ये वाली जो फील लाइंस है ये ऐसे घूम के वापस आएंगी ऐसे, और ये वाली फील लाइन भी वैसे सिमेट्रिकली ये घूम के वापस आएंगी। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो जस्ट आउटसाइड देखोगे, जस्ट आउटसाइड में देखो ये वाला रीजन, देखो ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको जस्ट आउटसाइड फील्ड कितनी मिलेगी, जस्ट आउटसाइड सोलेनोइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। समझ आ रही है? दूर में आपको फील्ड मिलेगा क्योंकि फील्ड लाइन्स घूम के आ रहे हैं दूर की तरफ, देखो, बट जस्ट आउटसाइड अगर देखोगे तो फील्ड आपको क्या दिखना है, जीरो। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है अंदर वाले रीजन का फील कैलकुलेट करना, तो वो चीज को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था डायग्राम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एम्पेरियन लूप एक चूज कर लेना है, तो अब ये काम बहुत ही आसान है, इतना पार्ट डिसाइड हो गया तो अब काम मेहनत करनी है। देखो मैंने एक एम्पेरियन लूप चूज किया यहाँ पे, देखो पिंक कलर से मैं चूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस लूप में कुछ नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज पी क्यू आर एन एस। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, अच्छा इसमें इनक्लोज करंट इनवर्ट्स है तो उल्टा एक काम करते हैं, नाम उल्टा देते हैं, पी क्यू आर एन एस। ठीक है, इनक्लोज करंट देखो तो इस लूप के अंदर क्या है, इनवर्ट्स है ना, है ना, इनक्लोज करंट इज इनवर्ट्स। और इनक्लोज करंट अगर इनवर्ट है, इसका मतलब इंटीग्रेशन के लिए जो बी डॉट डीएल का चॉइस था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो बाहर वाला जो पी क्यू सेगमेंट है वहां पे तो फील्ड ही नहीं है, तो बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा। क्यू आर वाला सेगमेंट में जो पार्ट बाहर है वहां पे फील्ड जीरो है, और जो पार्ट अंदर है वहां पे बी और डीएल परपेंडिकुलर है। देखो देखो चेक करो, ये देखो ये फील्ड और ये देखो डीएल, दिख रही है आपको? हाँ, विचुअली परपेंडिकुलर। बस एक ही पार्ट पे आपको बी डॉट डीएल का वैल्यू नॉन जीरो मिलेगा, वो है आरएस सेगमेंट पे। अगर आप नोटिस करोगे तो बी भी लेफ्ट की तरफ है और डीएल भी लेफ्ट की तरफ है, दिख रही है आपको? हाँ सर। तो बस वहां से आपको फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी एक बार करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक डेटा आपको ध्यान रखना, आपको दिया हुआ होता है इस सोलेनोइड के लिए गिवन डेटा होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, गिवन इज स्मॉल एन व्हिच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके, पीक्यू का सेगमेंट को हमने जो चूज कर रखा है यहाँ पे, लेट अस से कि हमने जो पीक्यू चूज किया, लेट पीक्यू का सेगमेंट बी इक्वल टू लेंथ एल। ठीक है, तो अभी आप सोच के देखो ये एल ही बेसिकली क्या होगा, आरएस वाला सेगमेंट ही हो गया। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जब हम लिखते हैं तो इसको चार पार्ट में हमने ब्रेक किया है, ये पी क्यू आर एस पूरे इस लूप में लेना है हमें, तो इसको लिख रहे हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर पी क्यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर क्यू आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर आर एस एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ओवर एस पी। इसमें से तीन सेगमेंट में आपका बी डॉट डीएल का वैल्यू जीरो है, तीन सेगमेंट में, पीक्यू सेगमेंट पे जीरो है,
QR सेगमेंट पे जीरो है और SP सेगमेंट पे भी जीरो है. बस एक ही सेगमेंट है जहां नॉन जीरो है, वो है RS वाला. तो इससे आपको क्या मिल रही है, देखो B into L, वही आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया. एंड दैट विल बी म्यू नॉट इनटू इनक्लोज करंट. बस अब आपको इनक्लोज करंट की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, इनक्लोज करंट की वैल्यू. तो देयरफॉर B into L विल बी म्यू नॉट इनटू इनक्लोज करंट. कैसे निकालेंगे आप, देखो ये जो हमने पिंक कलर का लूप बना रखा है एम्पियर लूप, उस लूप का लेंथ है L, और मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है उसने, स्मॉल n. तो n से अगर मैंने l को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, कितने टर्न्स है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ सर. हाँ सर. और जितनी बार टर्न आएगा देखो उतनी बार ये करंट इस लूप में एंटर करेगा नहीं, क्योंकि क्रॉसेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो क्रॉसेस यहाँ पे हमने बना रखे हैं वो क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, लूप में करंट कितनी बार एंटर कर रहा है ना. हाँ, समझ आ रही है आपको? हाँ, तो बस आपको वही चीज को मल्टीप्लाई कर लेना है. देखो यहाँ पे, सो दिस विल बी म्यू नॉट इनटू, अब लिखेंगे इसको n इनटू l. n इनटू l क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और हर एक टर्न के लिए एक एक बार करंट आई आएगा. समझ आया? ठीक है. हाँ सर. अब यहाँ देखो l और l ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, एंड आपको b की वैल्यू मिल गई है. सो b इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट एन आई. ये आपका स्टैंडर्ड फील्ड सोलेनोइड के लिए हो गया. b इज म्यू नॉट इनटू एन आई. अगर आप देखोगे तो ये यूनिफॉर्म फील्ड आ रही है, दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड. तो सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और सोलेनोइड के जस्ट बाहर आपकी फील्ड जीरो होती है. ठीक है, याद रहेगा आपको? हाँ सर. ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज को. ठीक है, भूलिएगा नहीं. इसमें एक और एप्लीकेशन जस्ट छोटा सा याद रखिएगा, जैसे मान लो आपको किसी ने ओपन एंड ऑफ सोलेनोइड पे फील्ड पूछ लिया. जैसे मान लो कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन दे रखा मैंने आपको, ये मान लो एक सोलेनोइड है, ठीक है, इसमें मैंने आपको करंट इस तरफ दे रखा है, दिस इज करंट आई, और मैंने आपसे यहाँ पे जस्ट ओपन एंड जो है ना यहाँ पे इसको पॉइंट ए मार्क कर रहे हैं, मैंने आपको पूछ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए बताओ कितना आएगा. मैंने तो आपको इंटरनल पॉइंट का म्यू नॉट एनआई बताया है, बट एक्सटर्नल पॉइंट जस्ट ओपन एंड पे तो नहीं बताया आपको. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो ना, व्हाट यू डू इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ. जैसे अगर मैं अपनी तरफ से ऐसे सोचो, मेरे को तो उसने ये दे रखा है, मैं इसको देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को री इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ. ये देखो ये सिचुएशन है, आप क्या करो इसमें अपनी तरफ से एक और करंट कैरिंग वायर डाल दो सोलेनोइड बना के, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऐसा ही. अब देखो तो आपका सोलेनोइड कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया? हाँ सर. और ये सोलेनोइड का ये जो ए पॉइंट है वो बीच का रीजन आ गया नहीं आ गया? हाँ सर. और बीच के रीजन में फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होगी? हाँ सर. और सिमेट्री देख के आप कह सकते हो कि दोनों में फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होगा या नहीं होगा. लेफ्ट हाफ का पार्ट जितना फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, राइट हाफ का भी उतना ही फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मैंने सिमेट्रिकल लिया है. हाँ सर. या ना? तो अब इस केस में आप सुपरपोजिशन यूज करके कह सकते हैं, जैसे इसको अगर फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, इसको सेकंड पार्ट कह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड टू फर्स्ट पार्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड टू सेकंड पार्ट विल बी इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड. एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई. इसका मतलब एक हाफ का कितना हो गया, सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ बी ड्यू टू वन इज इक्वल टू कितने लिखोगे, म्यू नॉट एन आई. इसका मतलब बी ड्यू टू वन ये कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू. इसका मतलब इसको सिंपली आप b due to you know 2 भी लिख सकते हो. मतलब सेकंड पार्ट के लिए निकालो या फर्स्ट पार्ट के लिए निकालो, दोनों का ही फील्ड का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, म्यू नॉट एन बाय 2 आएगा. समझ आई सभी को? हां सर. ठीक है, तो आप ये याद रखना कि सोलेनोइड के बीच वाले रीजन में, मतलब सेंट्रल रीजन में अगर आपको फील्ड पूछे तो वो यूनिफॉर्म है और वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 है. ठीक है, म्यू नॉट एन आई है. और अगर आपको ओपन एंड पे पूछ रहे हैं, मतलब जहां पे जस्ट आपका सोलेनोइड का माउथ है वहां पे पूछ रहे हैं, तो वहां पे फील्ड आपकी हाफ हो जाती है. और ये थोड़ा सा जैसे आपको फील्ड चेंज करता हुआ कैसे दिख रहा है वो भी समझ आना चाहिए. डायग्राम से देखो, अंदर वाले रीजन में फील्ड की स्पेसिंग ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, बट देखो ओपन एंड पे देखो क्या ये यूनिफॉर्म स्पेसिंग है या स्पेसिंग देखो बढ़ रही है. देखो तो फील्ड की स्पेसिंग देखो, येलो अलग अलग की लाइन की स्पेसिंग देखो, बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? हाँ सर. और स्पेसिंग बढ़ने का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ घटना ना? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, वहां पे घट गई है, वहां पे स्पेसिंग बेसिकली बढ़ जाती है और स्पेसिंग बढ़ने से फील आपकी डिक्रीज कर गई है. ठीक है, सबको समझ आई है? हाँ सर. हाँ सर.
ओके गुड, चलो ये तो हमारा सोलेनोइड भी कवर हो गया। अभी एक लास्ट बच रहा है, टोरॉइड करते हैं। सोलेनोइड हमारा कौन सा एग्जांपल था? सॉरी वो शायद फिफ्थ था, फिफ्थ हो गया। अभी नंबर सिक्स करते हैं। फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। टोरॉइड बेसिकली एक ऐसा सोलेनोइड है जिसका दोनों एंड जो होता है, दोनों एंड उसको आप आपस में एकदम माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट में लगा के रख देते हैं। मतलब बेसिकली आपका सोलेनोइड जो है ना वो घुमा हुआ होता है एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, ऐसा कुछ है। देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूं और इस सर्कल को आप ऐसा सोचो कि उस सोलेनोइड का एक्सिस है ये। तो ऐसा सिचुएशन दिखेगा जैसे यहाँ पे ऐसे आपकी सोलेनोइड की टर्न्स हो रहे होंगे, क्या आपको समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ये सोलेनोइड अगर सीधा होता तो फिर वो पिछला वाला सिचुएशन होता, और इस सोलेनोइड को हम घुमा घुमा के बेसिकली एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही इस सोलेनोइड के एक्सिस को रख रहे हैं, इसी को हम टोरॉइड कहते हैं। ये हमारा टोरॉइड हो गया। तो एक एंड पे देखो करंट आ रही है और एक एंड से करंट बाहर निकल गई है, ठीक है? तो ये टोरॉइड हो गया है। अब इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सोलेनोइड की वजह से आप निकाल रहे थे। सोलेनोइड में आपका सर्कुलर टर्न्स था, सर्कुलर टर्न्स के अलावा अगर आप करंट पे आप अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड देता था। सेम तरीके से यहाँ पे भी करो तो इससे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो फिंगर्स कर्ल करने से देखो इसी तरफ आएगा। देखो येलो कलर की लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ। आप जो सर्कुलर लूप है उस लूप में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। देखो एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चेक करो आप, देखो आ रही है क्या? एक बार करके देखो आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। सो दिस इज योर बी, एंड इसी में अगर आपको रेडियस ऑफ लूप उसने दे रखा है, मतलब ये रेडियस ऑफ सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये रेडियस आर दे रखी है उन्होंने, ठीक है? इसमें जनरली वो एक डेटा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं। गिवन इज एन, कैपलन, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स। टर्मिनोलॉजी थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल एन यूज किया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए और कैपिटल एन यूज किया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। और अब मेरे को ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो वापस से ये जो येलो कलर का मैंने जो लूप ड्रॉ कर रखा है उसी को आप सोचो कि वो आपका एम्पियरन लूप है। तो वो अगर एम्पियरन लूप है तो उसी में अगर मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ डीएल चूज किया, सोचो यहाँ पे डीएल, तो बी और डीएल तो पैरेलल हो जाएंगे, और बी और डीएल अगर पैरेलल हो गए तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो बी इंटू डीएल का इंटीग्रेशन विच इज 2π इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू मी नॉट इंटू इनक्लोज करंट। अब इनक्लोज करंट कितना है हर एक टर्न के लिए? देखो हर एक टर्न जितनी बार ये टर्न घूमता जाएगा उतनी बार ये एक एक करके क्या होगा, इनक्लोज होगा, इतनी बार एक एक करके इनक्लोज होगा। जैसे यू नो एक एक बार का टर्न अगर हुआ तो आई इनक्लोज हो गया, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है, तो एन टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? हाँ सर। तो यहाँ पे अब आपके पास बी देखो कितनी आ गई, सो बी इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट इनटू एन बाई 2π आर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद आई। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछला रिजल्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि n by 2π r basically क्या है? Number of turns per unit length. क्योंकि total number of turns was n and 2π r was the length of the toroid. So n by 2π r becomes the small n. So this becomes mu naught into small n into I. Exactly same result जो आपने पहले derive किया उससे match कर गया, ठीक है? तो toroid के अंदर भी उतनी field है जितनी आपकी solenoid के अंदर है, बस ये चीज का ध्यान रखिएगा। Clear है? हाँ सर। हाँ।